देसी घी थोड़ा डालना होता है। चलेगा भाई। नीर का छोटा भाई आप ठीक हो? देखो इनका बैक यार्ड अच्छा मकान है ये छुत्र होगा अभी पूरे नहीं है हमारे 25-30 तक 25-30 तक और होम टूर लेते हैं आपके घर का है ना मिट्टी लगाते हैं। तो ये रहा इनका किचन जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे देखो एक कमरा ये आपका कमरा है भाई। विंटर में कहाँ रखते हो आप? इनका घर ऐसा है बहुत ही खूबसूरत है बहुत ही जबरदस्त घर है माशाल्लाह। देखो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वॉनी टॉक्स। करते हैं आज के फैशन व्लॉग स्टार्ट। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। गेस व्हाट अभी मैं कहाँ हूँ अभी आप देख रहे हो लगड़ियों से तो पता चल ही गया होगा कि मैं अभी तुलेल वैली में ही हूँ पुरानी तुलेल वैली में। और मैं आया हूँ आज चाचा के पास जिसने पिछले व्लॉग में मुझे बोला था कि आप जो है ना वो हमारे घर आओ चाय पियो। तो फिर हम रुके थे शेखपुरा में ही तो शेखपुरा से हम सीधे आ गए अब दादाजी के पास। दादाजी यहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है? सेहत ठीक है? मैंने सोचा आपने बुलाया तो हम यहाँ चाय पियेंगे। ये प्यार मोहब्बत ये अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के दाने लिखे होते हैं है ना तो ये लिखे होते हाँ ये लिखे होते हैं कुछ नहीं होगा अल्लाह ने पहले ही लिखा होता है वरना मैं कहाँ आता यहाँ और कहाँ मैं चाचा जी से मिलता। ये छोटी बात नहीं है सही बात है ये अल्लाह ने पहुँचा आपको यहाँ बेशक 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 इसमें कोई शक नहीं कि मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ पहुँचाया और अल्लाह ताला के बगैर किसी पर तवक्कल नहीं करना चाहिए ना अल्लाह के बगैर किसी से मदद मांगनी है। तो अभी ना मैं सोच रहा था कि मैं चाय भी पीऊँ और आपको यहाँ का घर दिखाऊँ बिकॉज पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि मुझे बहुत फैंटेसी हो रही कि मैं आपको यहाँ का घर दिखाऊँ। सो चलो देखते हैं आज के इस व्लॉग में क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इतना कहूँगा कि व्लॉग पर बने रहना। देखो अभी अंदर से इनका मकान तो ये रही हमारी चाय माशाल्लाह। ये है देसी घी देखो देसी घी प्लस कप्स और ये रोटी ये देसी घी है। ये रहा मुनीर जो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा जिसको ये आप गर्मी बनाते हो माशाल्लाह बेचते भी हो हैं को खाते अच्छा खुद को खाते दवा के खाते हो चावल के साथ नहीं चावल तो रोटी से के साथ आधे खाते ना चावल के साथ भी वो बनाते अलग से चावल अच्छा है ना अरे चावल को मिला के खाते हैं। चलो माशाल्लाह देखो ऐसे ही होता है देसी घी। अभी ये गर्मी की वजह से सेट नहीं हुआ फ्लैश बंद हुआ ना इसीलिए बिस्मिल्लाह देखो ये लाओ सामने क्या देसी घी है माशाल्लाह एकदम जबरदस्त देसी घी अल्लाह रहमान रहीम। देखो देखते हैं मज़ा क्या है इसमें एकदम जबरदस्त। आप भी कश्मीरी चाय पीते हो या मैक्सिमम कश्मीरी चाय पीते हैं? नून चाय पीते हैं थोड़ा सा डालो घी इससे अच्छा होता है चाय में। हाँ मैंने चाय में घी डाला बस। इतना नहीं है थोड़ा डालना होता है। चलेगा भाई? नहीं चलेगा भाई इसके से करेंगे रोटी से करेंगे भाई। चाय में कैसा टेस्ट आया? मजा वारिया ज्यादा लुक देश वारिया असल है मौजूद के जो इन्होंने बोला यहाँ आप स्टे कर सकते हो नाइट को एंड यूं रहन सहना में वारिया पसंद सिंपल सिटी भाई इसे क्यों ना आए वानी जो है एंड हम भी सिंपल हाँ हम भी सिंपल है कश्मीर में हमारे घर आकर कोई ऐसा है तो हम भी देते हैं तो ऐसे मेहमान नवाजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी और ये देखो ये एक कमरा है इनका जो कि पूरा वुडन है देख सकते हो आप फुल और इस पे जो है ना वो ये लगा के हैं वॉलपेपर एकदम बढ़िया और यशीमन वुड यूज्ड लकड़ी हूँ ये भी एकदम बज फाड़ लकड़ है ना एकदम बढ़िया जबरदस्त शिमन हेयर छुट्टू ठीक हो? नीर का छोटा भाई आप ठीक हो? सेठ ठीक है?
कहाँ से स्कूल थे? नहीं। फिर ऊपर से? ऊपर से? ऊपर आपका अलग कमरा है? ओ, हो, हो। आपका अलग है? कहाँ? देखो इनका बैकयार्ड, बैकयार्ड जो है ना वो जबरदस्त है। इच्छा मकान है ये छुत रोज वहां बैठते हो? लकड़ी है वहां बेहान छो वो घर नहीं है? बैठते नहीं हो वहां? अच्छा चार गान मानो सर कशिर पट गान मानो तबेला। अच्छा अच्छा ऊपर इंसान और नीचे चारवाई। चलो ठीक है। लद्दाख तो ना इतने पेड़ भी हैं तुम, लद्दाख में भी ऐसे ही होते। देखो इनके घर से क्या व्यू है, एकदम बढ़िया जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत नजार से जबरदस्त। योर बुथ शीन आसान ना वंदा ये जबरदस्त सीनरी बुथ ना आसान माशाल्लाह। लोकल मकान जाय बनवी जाय नमाज त्रै क्या जाय नमाज त्रै तज से पर्त दार का माशाल्लाह। मगर तू फुर्सत छुनी वन क्या पीरवत मुनीर ये कहां थे? ऊपर गिर ऊपर से चलाने के लिए माशाल्लाह। कितने अभी पूरे नहीं आए हमारे? 25-30 तक। 25-30 तक। देखो यहाँ से लकड़ी है जो ये सर्दियों के लिए रखते हैं। इधर से कश्मीर में हम इसको बोलते थे वर्ड किन यर्ड ऐसा मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में क्या बोलते। मुझे याद था लेकिन अभी मुझे ना दिमाग में नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं जिसमें बेड वगैरह रखते थे इवन के गुप्पन एट्सेट्रा रखते थे। तो बाकी देखो ऐसे मुर्गे कितने हैं मुर्गियाँ ये आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। और ये है इनका यहाँ से तबेला। ये कहाँ जा रहा है? ये भाग गया। चलना अभी ना मुनीर मेरा मन हो रहा है मैं ब्लॉग में भी बोल रहा था कि मैं घर का दिखाऊँ इनको ये? मुझे दिखा दो हाँ आपका घर कैसा है और होम टूर लेते हैं आपके घर का है ना। चला ये देसी है ना? हाँ देसी। कट 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 टक 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 देखो तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ का होम टूर दिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम आए अभी कहाँ आए? किचन। किचन में माशाल्लाह ये किचन है लेकिन ये तो अंदर से मिट्टी का है ना? नहीं ये है ना इसको लकड़ी का फिर मिट्टी लगाते हैं अंदर से इससे सर्दियों में गर्मी रहती है ना गर्मी रहती है। बहुत ही खूबसूरत है देखो अंदर से जैसे कश्मीर में पहले होती थी ना है ना पहले होते थे घर वैसे ही है। और ये रहा इनका किचन जो कि बहुत ही खूबसूरत है देखो दान जैसे इस कशिर पर चवानन माशाल्लाह। और यहाँ से सोनर मतलब वो पुराना तरीका यहाँ से देखो कप्स कैसे सजे हुए हैं एकदम बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से। ये इनका किचन है। अभी हम ऊपर जाते हैं माशाल्लाह। ओ वाह यहाँ ना ज़्यादातर अंधेरा ही है बिकॉज यहाँ जो है ना वो लाइट नहीं है। और यहाँ से देखो एक कमरा ये आपका कमरा है? हाँ भाई देता है यहाँ पे ये भी लकड़ी का ही है ना? वाह यार यहाँ से क्या मज़ा आता होगा देखो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह पे लोगों ने अपना घर बनाया है बहुत ही खूबसूरत जगह पे। यहाँ से देखो यहाँ से क्या व्यू है लोकेशन है यहाँ से बहुत ही खूबसूरत
इस पे जा सकते हैं? और क्या ये गिरेगी तो नहीं? हाँ गिरेगा। ओ भाई ये बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है। देखो बाहर से ये कैसा है, अगर लकड़ी का ही होता है ना। और ये लकड़ी कहाँ से लाते हो आप? देखो ये मोटी होती है। पहले लाते थे जंगल से, अभी फॉरेस्ट वाले होते हैं ना वो नहीं नहीं देते लाने के लिए ना। अभी होता है ना वो, चलो वो लाने नहीं देते, लेकिन हमने तो एक्सप्लोर कर लिया। और अभी हम सेकंड फ्लोर पर है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर है। और यहाँ से देखो यहाँ से क्या व्यू है, एकदम बढ़िया। सर्दियों में तो बहुत ही बेस्ट व्यू होगा यहाँ से, है ना। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही खूबसूरत। और ये भी आपका ही है ना? ये तीनों है हमारे। कौन सा तीन? कौन ये? वो दोनों नीचे वो और दोनों। चलो ठीक है, घास रखते। अच्छा भेड़ बकरी के लिए। और इसमें इसके ऊपर रेत है, विंटर में रेत रहते हो? हाँ रहते, मतलब इसके ऊपर मिट्टी का स्लेप होता है, नीचे भेड़ बकरी रहती है, अच्छा ऊपर खुद रहते है बुखारी जला के। सही सही। आ जाओ हमें दूसरा कमरा। दूसरा कमरा चलो चलते है। खास नहीं तो वैसे ही हम बना दिया। दिल तो खास है ना मुनीर, आपका दिल खास है ना। ओ यहाँ आप रहते हो? देखो ये भी मिट्टी का ही है ना। यहाँ तो अभी इतनी गर्मी है, तो विंटर में कितनी गर्मी होगी? बहुत गर्मी, मतलब विंटर में होती है ना वो बर्फ होता है, थोड़ा सर्दी भी रहती है, बुखारी जलाते हैं तो वैसे ही इससे ज्यादा गर्मी होती है, इससे ज्यादा गर्मी देते हैं। देखो ये सब आपके हैं? इस भाई का नाम क्या है? शब्बीर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नाम है। देखो इन्होंने रखे ना ये, आप यूट्यूबर हो ना? हाँ वो भी यूट्यूबर है। इन्होंने रखे इसमें, इसको क्या बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में? इसको बोलते हैं हराई। हराई तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत। देखो अब मुझे याद आया ना कि इसको वाड़ बोलते हैं। विंटर में कहाँ रखते हो आप? यहाँ तो गर्मी मिलती होगी भरपूर। और आप ऊपर बैठते हो? ये आपका? मैं कर सकता हूँ? कुछ नहीं करता ये। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। टू बी ऑनेस्ट आप सब लोगों को एक बात बताता हूँ, वो ये है कि इनका घर ऐसा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त घर है। वो भी उनका है, वो भी इनका है, वो भी सब। लेकिन शायद ये लोगों के सामने इनका घर जो है वो बैकवर्ड हो, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। ये लोग ऐसे हैं कि ये गैर को अपने घर में जगह देते हैं। बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। अल्हम्दुलिल्लाह।